तो स्वागत है दोस्तों आपको हमारे इसी 5 न्यू इन्फॉर्मेशन वाले चैनल पर। और आज का ये वाला जो वीडियो है ना, तो इसी वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो हीरो कंपनी है ना, तो इनके तरफ से जो एक्सपल्स 204B वाला जो मॉडल आता है, तो उसका ही अभी एक रैली टाइप एडिशन आने वाला है इसी इंडियन मार्केट में, जिसके बारे में कुछ अभी न्यू इन्फॉर्मेशन जो है तो वो अभी सामने आए हैं। और इसके अलावा ये जो होंडा कंपनी है ना, तो इनके भी तरफ से भी एक यूगो नाम से न्यू एक स्कूटर अभी आने वाला है जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर है। और इसके अलावा बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर का भी जो प्राइस है ना, तो वो भी अभी बढ़ चुका है। और इसके ही साथ साथ ये जो रॉयल एनफील्ड कंपनी की तरफ से जो अपकमिंग न्यू जनरेशन वाला जो बुलेट है ना, तो उसको भी अभी फिर से एक बार दिखा गया है। और इसके अलावा ये जो BMW कंपनी की तरफ से जो अभी कुछ ही दिनों पहले कुछ एक न्यू अपडेट दिया गया था, उनके ही जो G310R वाला जो मॉडल है, तो उसके ही अंदर तो भाई अभी कुछ ऐसा ही सुना जा रहा है कि वो वाला मॉडल का भी जो प्री बुकिंग है तो वो अभी ओपन हो चुका है। तो इन सारा ही चीजों के बारे में आगे हम लोग बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। नंबर वन, ये जो होंडा कंपनी है ना, तो अभी के रेट में बोला कुछ ऐसा ही जा रहा है कि इनके तरफ से एक न्यू यूगो नाम से एक इलेक्ट्रिक स्कूटर आने वाला है इसी इंडियन मार्केट के अंदर। और ये जो स्कूटर है ना, तो इसके बारे में भाई अगर सुनना चाहते हो तो बता दूं कि इसका जो टॉप स्पीड है तो वो है 53 km/h। और इसके ही साथ इस स्कूटर का जो रेंज अभी बताया जा रहा है तो वो है 130 km/h, मतलब की एक बार फुल चार्ज करने के बाद। नंबर टू, ये जो हीरो कंपनी है ना, तो इनके भी तरफ से हीरो एक्सपल्स 204B का एक रैली टाइप एडिशन अभी आने वाला है, और उसके ही बारे में भी कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन सामने आए हैं, जिसके अंदर अभी बताया कुछ ऐसा ही जा रहा है कि इसी न्यू बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है तो वो 270 mm तो वही रहने वाला है। और इसके ही साथ इसी रैली एडिशन वाले बाइक के अंदर आपको जो हैंडल देखने को मिलेगा ना, तो वो और भी ज्यादा मतलब वाइड होने वाला है, मतलब आज के डेट के हीरो एक्सपल्स 204B के मुकाबले। और उसके ही साथ ये जो हीरो एक्सपल्स 204B का जो ये रैली वाला बाइक है, तो इसका जो टायर का ग्रिप है ना, तो वो और भी काफी ज्यादा मतलब बढ़ने वाला है, मतलब पहले के मुकाबले। और इन सारा ही चीजों के बारे में एक डिटेल में मैंने वीडियो बना के रखा है, अगर देखना चाहते हो तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके देख सकते हो। नंबर थ्री, ये जो बजाज कंपनी है ना, तो इनके तरफ से चेतक का ही एक ईवी वाला मॉडल आता है इस इंडियन मार्केट में, मतलब अभी के डेट में। और इसी ईवी वाले चेतक के ही जो प्राइस है ना, तो वो अभी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, मतलब की चेतक का जो पहले का कीमत था ना आज से पहले, तो वो था 1.41 lakh rupees, और अभी के डेट में जो प्राइस जो हुए है तो वो है 1.54 lakh rupees। तो अभी के डेट में जो मतलब कुल मिलाकर जो प्राइस बढ़ा है ना, तो वो है 12,749 rupees। नंबर फोर, ये जो रॉयल एनफील्ड कंपनी है ना, तो इनके भी तरफ से अभी एक बुलेट का न्यू जनरेशन वाला मॉडल अभी आने वाला है इसी इंडियन मार्केट में भी, और साथ ही साथ बाहर के देशों में भी। तो ये वाला जो न्यू जनरेशन वाला मॉडल है ना, तो इसको अभी एक बार फिर से दिखा गया है। और अभी के डेट में बोला कुछ ऐसा ही जा रहा है कि ये जो न्यू जनरेशन वाला बुलेट है ना, तो इसका जो कुशनिंग है तो वो बहुत ही ज्यादा बेहतर होने वाला है पहले के मुकाबले। और इसके अलावा बताया कुछ अभी ऐसा ही जा रहा है कि इस वाले बुलेट के भी अंदर आपको देखने को मिलेगा जो इंजन, तो वो 350cc वाला एक सिंगल सिलेंडर एयर कूल प्लस ऑयल कूल वाला एक इंजन होने वाला है, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करने वाला है 20.2 bhp। और ये वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करने वाला है तो वो है 27 Nm। और इसके अलावा अभी के डेट में बोला कुछ ऐसा ही जा रहा है कि 5th speed मैनुअल गियरबॉक्स के ही साथ साथ बहुत ज्यादा एक रिफाइनमेंट वाला इंजन ये होने वाला है पहले के मुकाबले। और इसके अलावा इसी बुलेट के ही बारे में अभी और भी कई सारा चीजें अभी आए हैं सामने, जिसके बारे में एक डिटेल में मैंने वीडियो बना के रखा है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर देखना चाहते हो तो जाके देख सकते हो। नंबर फाइव, ये जो BMW कंपनी है ना, तो इनके भी तरफ से भी एक न्यू अपडेट दिया गया है BMW के ही G310R और G310GS वाले मॉडल के अंदर। तो इन बाइक्स का जो अभी प्री बुकिंग है ना, तो वो अभी इसी इंडियन मार्केट के अंदर ओपन हो चुका है, अगर कोई मतलब प्री बुकिंग करना चाहते हो तो जाके कर सकते हो। बाकी इसी दोनों बाइक्स के बारे में डिटेल में मैंने वीडियो बना के रखा है, अगर देखना चाहते हो तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बाकी तो ये दोनों ही बाइक्स के बारे में डिटेल में बोला गया है, तो इसी वजह से भाई अगर देखना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है दिया हुआ। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल देना, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप नया नया वीडियो हर दिन देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, फिर से मुलाकात होगा दोबारा, थैंक यू गाइज़।